हो गई मिलता है हाँ गौशाला पर नहीं जी ना। या ठेकेदार नहीं है के नाम ऐसा मोहिनी हमारे खेत यहीं पर आई रही पिछली साइड में गौशाला पे हम यहाँ आते रहे 5-7 रोज मरे पावे पशु यहाँ पर कोई सही प्रकार से ही ना तो हरा चारा दिया जाता थोड़ा बहुत आवे नाम चारा करने के नाम का अन्नी एक टाइम सुखा भूस गिरा जा और रोज की यहाँ 5-7 रोज मरे। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अगर पांच सात रोज मर रहे हैं तो ये हाँ तो जी गौशाला अब तक का खाली हो जाती। अजी मैं बताऊ को कुक करनी हुई जुकर इनके बिल्ले है ना वे ये डॉक्टर आवे बिल्ले का टैमरे हुए के नऊ का लगा दे अच्छा वे के वे ही रपट लगाएगा उनमें और छह रात के टाइम में अब अगल बगल के जो गांव वाले हैं दूर दूर तक टर्क उमर उसमें आए जी हाँ डंगर पहले भी उसके बाद में रात के टाइम में भी आवे और यहाँ से लगा पूर्ति करके दिखा दे 600-700 बिल्ले भी अंदर रखे जोन से मरे पड़े उनके देखो सरु के बिल्ले कटे हुए है और इनके बिल्ले दोबारा तक लगा दिए जा जिस तक ये फंसे ना। अच्छा, पहले भी शिकायत की आप लोगों ने इसकी? अजी शिकायत कोई नहीं करता यहाँ गांव वाला इज्जा ज्यादा बदबू फैल गई इन्हें सही प्रकार तक दाब भी नहीं रहे 8-8, 10-10 दिन हो जा पड़े हो देख लो वे पुल्ले पड़े जो जो मैडम पिछली जो साइड जी में मैडम ने गड्ढा खुदवा रखा गड्ढा खुदवा वे और उसमें ऊपर नीचे कहीं कहीं दबा दे अगर मैडम ये कहती होगी यहाँ से कितने नहीं मरे कोई अधिकारी यहाँ पे निरीक्षण के लिए आता है? अजी पता नहीं कोई आता होगा आगे पीछे मेरे सामने तो कोई आया नहीं। नगली जमालपुर की गौशाला में शिकायत प्राप्त होने पर एक टीम भेजकर दिखवाया गया। वहाँ पे जो शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ गौवंशों की मृत्यु हो गई है और वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, इससे संबंधित जो टीम गई है वो एक विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही पुट अप करेगी। वहाँ पर जो समस्याएं थी उसके लिए कौन जिम्मेदार है उसकी रिपोर्ट आएगी और उसके अनुसार आगे की कार्रवाई उनके खिलाफ करी जाएगी।